आपने कभी सोचा है व्हाट्सएप जैसे फ्री सोशल नेटवर्किंग ऐप आखिर पैसे कैसे कमाती है, जबकि वे अपने प्लेटफॉर्म पर कोई भी एड कहे तो विज्ञापन नहीं दिखाती है। तो समझ जाइए आप ही एक प्रोडक्ट हो, यू आर द प्रोडक्ट। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट फ्री में मिल रहा है तो समझ जाइए आप ही एक प्रोडक्ट हो जिसे बेचा जा रहा है। व्हाट्सएप या कोई भी सोशल साइट आपके डेटा, नाम, नंबर, पिक्स और आपकी एक्टिविटीज का भी ट्रैक रखती है। जैसे आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है, आपका बाइंग, खरीदारी बिहेवियर क्या है, रिसेंटली आपने किन चीजों को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया है, उन्हें ऑनलाइन सर्च किया है। इन सब पर रिसर्च करने के लिए इन बड़ी कंपनियों के पास बहुत सारे टूल्स और एक्सपर्ट्स होते हैं, इन्हें डेटा इंजीनियर कहते हैं, और इन सभी टूल्स को डेटा माइनिंग टूल्स के नाम से भी जाना जाता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इनकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होती है, जैसे SAS, बिग डेटा, हेडोप जैसे चीजों का यूज करके ये कंपनी उन कस्टमर्सों का डेटा प्रोडक्ट वाले कंपनी को बेच देती है, जिन कस्टमर्स को इन प्रोडक्ट कंपनी के बनाए गए प्रोडक्ट की तरह के चीजों में इंटरेस्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक कंपनी हूँ जो हिंदी म्यूजिक वीडियोस बनाता हूँ, और अगर मुझे ऐसे लोगों का दुनिया भर से डेटा मिल जाए जो हिंदी म्यूजिक के शौकीन है, और उन कस्टमर्स को मैं अपना प्रोडक्ट पुश करूँ तो मेरा प्रोडक्ट खरीदे जाने का चांस बहुत ज्यादा होगा। इससे मेरा समय और पैसा दोनों ही बचेगा। अदरवाइज मैं ऐसे लोगों के पीछे पड़ने लगता जो म्यूजिक या हिंदी म्यूजिक में इंटरेस्टेड है ही नहीं। डेटा माइनिंग ये कारोबार अब हजारों करोड़ों का बन चुका है, और फ्यूचर डेटा माइनिंग इंटरनेट मार्केटिंग का है, जिससे हमारी प्राइवेसी पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। पर सच तो ये है कि सब जानने के बावजूद भी हम सब सोशल मीडिया एप्स वगैरह का लालच छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हम प्रोडक्ट बनने पर मजबूर हैं।